खबर हमारे पास आ रही है लखनऊ से। लोकदल के अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर मुलायम सिंह यादव के समर्थकों को धमकाने का आरोप लगाया है। लोकदल के अध्यक्ष सुनील सिंह ने अब सुरक्षा की मांग की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही थी। जब मामला समाजवादी पार्टी का दो फाड़ होकर चुनाव आयोग पहुंचा था, तब चौधरी सुनील सिंह की पार्टी लोकदल, जिसमें हल जोतता किसान उसके बैनर तले ही मुलायम सिंह यादव अलग लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर उन्हें धमकाया जा रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर मुलायम सिंह के समर्थकों को धमकाने का आरोप लगाया, जिसमें खुद वो चौधरी सुनील सिंह भी उनके समर्थक है, उनको भी धमकाया जा रहा है। विवेक, क्या पूरा ये मामला है? एकदम से चौधरी सुनील सिंह ने एक आरोप कैसे लगा दिया? देखिए, चौधरी सुनील सिंह ने एक चिट्ठी इलेक्शन कमीशन को लिखी है, वो चिट्ठी भी हमारे दर्शक कुछ देर में देख पाएंगे। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि मुलायम सिंह यादव के समर्थकों को धमकी दी जा रही है सत्तारूढ़ दल के कुछ लोगों के इशारे पर, और उन्होंने मधुकर जेटली का नाम लिखा है। मधुकर जेटली समाजवादी पार्टी के नेता हैं और राज्य मंत्री का दर्जा भी उनको मिला हुआ था। उनका हवाला देते हुए कहा गया कि मधुकर जेटली को एक नंबर से फोन कॉल आई जो लैंडलाइन नंबर था, और उस पर उनको धमकी दी गई। इस बात का जिक्र उन्होंने किया, जिस नंबर से फोन आया था उस फोन नंबर का भी जिक्र उन्होंने अपनी चिट्ठी में किया है। मधुकर जेटली के उस नंबर का भी जिक्र किया जिस पर फोन आया था। ये सारी बातें लिखते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को इलेक्शन कमीशन सुरक्षा मुहैया कराए और उस पूरी घटना की जांच की जाए और उसके पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस तरह की चिट्ठी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखी है।